सिंगरौली में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुस्लिम समुदाय के आगामी त्यौहार मुहर्रम पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। सिंगरौली में उपखंड अधिकारी देवसर अखिलेश सिंह, तहसीलदार नागेश्वर पनिका ने उपखंड कार्यालय सभागार में सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि त्योहार के आयोजन के दौरान शस्त्र और धारदार हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस के दौरान यातायात के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जुलूस में शामिल होने वाले वॉलेंटियर की संख्या की जानकारी भी देनी होगी ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकें। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से यह भी कहा कि ताजिए की ऊंचाई निर्धारित मापदंड के अनुसार हो ताकि जुलूस के दौरान बिजली के तारों में रुकावट न आए। वहीं उपस्थित सदस्यों को त्योहार के दौरान सुरक्षा यातायात नियंत्रण के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।